टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में लगता है रजत और आपके जो प्यारी सवि हैं उन दोनों की राहें गुम हो गई हैं। ना चाहते हुए भी उन्हें साइशा के चलते एक दूसरे के साथ एक दूसरे के करीब आना ही पड़ रहा है। आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी जानकारी। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वी रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब इट नाउ। कम बैक टू द पॉइंट, अगर बात की जाए टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, तो शुरुआत से ही रजत और जो सवि की राहें हैं वो आपस में टकराती ही रहती है। जहां एक तरफ सवि रजत से बेइंतहा नफरत करती है तो रजत भी सवि की शक्ल तक देखना नहीं चाहता। बट बाय डिफॉल्ट शो मेकर्स की कहानी की आप टैलेंटेड इक्वेशन की बात करें तो सवि को बहुत ज़्यादा अटैचमेंट शायशा से हो गया है। और अब शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि रजत और सवि एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बनते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल ठीक सुना आपने, ऐसा ही होने वाला है टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार के आने वाले एपिसोड में। शो की कहानी आगे जिस तरीके से बढ़ रही है उसमें आप साफ देख सकते हैं कि जो आशिका है उसका नेग्लिजेंस टुवर्ड्स साइशा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और अब यहाँ पर सभी को इस बात की खबर भी लग चुकी है कि आशिका और हर्ष साइशा को हॉस्टल भेजने की फिराक में हैं, उसे हॉस्टल भेजने का मन बना रही हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए वो रजत से ये बात करने वाली है कि हम साई के लिए कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज और जिसके चलते हम उसकी जो कस्टडी है वो अपने पास ले लेंगे। इसी के चलते यहाँ पर रजत सवि से शादी करने के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज करने के लिए मान जाएगा और यहीं पर होगा शो की कहानी में ज़बरदस्त ट्विस्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज के बारे में इन दोनों के अलावा किसी और को नहीं पता होगा और सभी लोग इन दोनों की जोड़ी इन दोनों की शादी को सच मानेंगे। और कहानी में उस वक्त और भी ज़्यादा मज़ेदार मोड़ आएगा जब शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि कुछ पूजा पाठ के सीक्वेंसेस होंगे जहां पर रजत और सवि को एक दूसरे के साथ में पूजा एज अ जोड़े के बतौर करवाई जाएगी, जहां भगवान से सवि माफ़ी मांगेगी, कहेगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए भगवान, आपके सामने मैं एक झूठे रिश्ते का मान रखने के लिए इनके साथ आरती कर रही हूँ। तो वहीं रजत भी भगवान से मन ही मन कहता आएगा नज़र, मुझे सभी से कोई भी रिश्ता रखने में दिलचस्पी नहीं है, आप भी जानते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ अपनी बेटी सई के लिए कर रहा हूँ। तो वहीं सई इन दोनों को साथ में देखकर भगवान से प्रार्थना करती नजर आएगी कि बस आप मेरी परी आंटी और मेरे पापा को हमेशा मेरे साथ रखिएगा और हमेशा इन दोनों को ऐसे ही एक दूसरे के साथ रखिएगा। वेल अब भगवान भी होने वाले हैं कंफ्यूज कि अब बाप बेटी और बच्ची में से किसकी कहानी सुने, किसकी प्रेयर सुने। अब देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि जब इस कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज का दी एंड होगा तो क्या होगा इन दोनों के रिश्ते पर असर, या फिर नफरत से शुरू हुई ये कहानी प्यार की तरफ जाएगी। क्या लगता है आपको, कॉमेंट कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।